पूर्वाभास मतलब कि भविष्य में घटने वाली घटना के बारे में पहले ही जान जाना और किसी इंसान के मन में क्या चल रहा है उसे पढ़ पाना। क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है? क्या है सिक्स सेंस और कैसे ये काम करता है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इंसान के शरीर में 5 तरह की इंद्रियां होती है। पहली आंख, जिससे हम देखते हैं, दूसरा नाक, जिससे हम सूंघते हैं, तीसरी जीभ, जो टेस्ट को बताती है, चौथा है कान, जिससे हम सुनते हैं, और पांचवी है त्वचा, जिससे हम स्पर्श करते हैं। इन पांचों इंद्रियों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये दिखाई भी देती है और इन्हें महसूस भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे शरीर में एक और इंद्री होती है, जिसे सिक्स सेंस के नाम से जाना जाता है, और ये वास्तव में होती है, जिस पर कुछ वैज्ञानिक प्रमाण भी निकल कर सामने आ चुके हैं। दरअसल ये छठी इंद्री दिखाई नहीं देती, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, और ये सभी के शरीर में पूरी तरह एक्टिव हो ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के शरीर में छठी इंद्री कुछ ज्यादा एक्टिव हो सकती है, तो कुछ के शरीर में हो सकता है कि ये बहुत कम एक्टिव हो, और ये डिपेंड करता है इस बात पर कि माइंड कितना ज्यादा पॉजिटिव और एक्टिव है। प्रे और मेडिटेशन से भी सिक्स सेंस ज्यादा एक्टिव रहता है। दुनिया के करीब 1/3 लोगों की छठी इंद्री काफी ज्यादा सक्रिय है। आपने भी कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि भविष्य में होने वाली घटना का पहले ही आपको आभास होने लगता है। जैसे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो मरने वाला है वो पहले ही अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मिलने के लिए बुलाने लगता है, क्योंकि उसे अपनी मौत का पूर्वाभास होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे माइंड का ही खेल है, और इंसानी दिमाग की पावर की कोई सीमा नहीं है। ये अपने आसपास की चीजों को वेव्स के माध्यम से महसूस भी कर सकता है और उन्हें मैसेज भी भेज सकता है, और ये केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य के बारे में आभास भी लगा सकता है। पुराने टाइम में साधु काफी ज्यादा तप और ध्यान करते थे, जिसके कारण उनकी स्पाइनल कॉर्ड काफी ज्यादा सक्रिय हो जाती थी, और वे केवल एक जगह बैठकर ही पूरी दुनिया के बारे में जान पाते थे, किसी से भी इंटरकनेक्ट होकर बात कर पाते थे और उनके भविष्य के बारे में भी जान पाते थे। ऐसा वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो अपना पूरा टाइम ध्यान लगाकर एक जगह बैठकर स्पाइनल कॉर्ड पर फोकस करते थे, जिससे उनका माइंड पूरी तरह एक्टिव हो जाता था। दोस्तों, हम जिस स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं उसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, और ये हमारे शरीर के सातों चक्र और छठी इंद्री का केंद्र होती है। हमारे कपाल के नीचे एक छोटा कोमल होल होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वहीं से सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ से होती हुई मूलाधार तक जाती है, और अगर कोई इस पर काबू पा ले और इसे एक्टिव कर ले तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन सकता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बाहरी दुनिया को भूलकर खुद को जानने के लिए अपने अंतर मन में झांकना पड़ता है, और इसके लिए लंबे समय तक एक जगह बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है, जो शायद आज की बिजी लाइफ में कोई करना नहीं चाहेगा। सिक्स सेंस के कई किस्से कहानियां किताबों में भरे पड़े हैं, इस पर फिल्में भी बनी है, उपन्यास भी लिखे गए हैं, जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में छठी इंद्री ज्ञान प्राप्त बहुत से साधु संन्यासी हुए थे। लेकिन आज ऐसे लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ते। इसका कारण है कि आज कोई भी उस लेवल का प्राणायाम, मेडिटेशन और रूटीन को फॉलो नहीं करते। बाहर की दुनिया मोबाइल गैजेट्स से तो सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने अंतर मन की शक्ति से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज किसी की भी छठी इंद्री सक्रिय नहीं है। छठी इंद्री सक्रिय तो सभी की रहती है, लेकिन ये उतनी सक्रिय नहीं है जितने पुराने समय में लोगों की हुआ करती थी। आज भी हमें कुछ छोटे मोटे नमूने तो इसके देखने को मिल ही जाते हैं। आपने खुद भी कई बार नोटिस किया होगा कि आपको किसी काम के होने से पहले ही उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। जैसे एक्सीडेंट होने से पहले ही आपको उस दिन ये लगने लगता है कि आज कुछ बुरा होने वाला है, तब या तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है या एक्सीडेंट से आप बाल बाल बचे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और घटनाओं से हमारा माइंड पूरी तरह कनेक्टेड है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जैसे विचार हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, वैसा ही फर्क हमारे कामों पर भी पड़ने लगता है, क्योंकि जैसा मैसेज हमारा माइंड रिलीज करता है, हमारे पास का एनवायरनमेंट और हमारे साथ होने वाली घटनाएं भी कुछ वैसी ही हो जाती हैं।
अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है, और अगर हम दुखी रहते हैं और माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते रहें तो हमारे आसपास का वातावरण भी नेगेटिव हो जाता है। ये सब बातें साबित करती है कि हमारा माइंड नेचर और एनवायरनमेंट से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। तो अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी छठी इंद्री को पूरी तरह जागृत कर ले तो क्या हो। तो ऐसा व्यक्ति भविष्य में झांक सकता है, अतीत में जाकर घटनाओं की सच्चाई का पता लगा सकता है, मिलो दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकता है, किसी के मन में क्या चल रहा है ये जान सकता है, और एक ही जगह बैठे बैठे दुनिया की किसी भी जगह की जानकारी पल भर में हासिल कर सकता है। ऐसे व्यक्ति से दुनिया में कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। अब बात करें कि आखिर ये छठी इंद्री जागृत कैसे होती है। तो इसके पीछे शरीर की कोर्ड्स मतलब कि नाड़ियों का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर में बाईं तरफ और पिंगला नाड़ी दाईं तरफ होती है। ईड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर रहता है, और जब ये दोनों स्वर चलते रहते हैं तो माना जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड सक्रिय रहती है, और इसी से सिक्स सेंस जागृत होता है। दोस्तों, छठी इंद्री को जगाने के भी कई तरीके हैं, जिसमें पहला है प्राणायाम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर फेफड़े और हार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन न पहुंचे तो इससे मस्तिष्क का कुछ हिस्सा काम नहीं करेगा, लेकिन प्राणायाम द्वारा वायु कोशों तक ऑक्सीजन पूरी तरह पहुंचाई जा सकती है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, नए ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, और शरीर की सभी कोर्स भी एक्टिव होने लगती है, और ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स भी एक्टिव होने लगते हैं। और छठी इंद्री अगर पूरी तरह जागृत हो जाए तो व्यक्ति का दिमाग 10 गुना ज्यादा काम करने लगता है, और व्यक्ति अपने आसपास होने वाली गतिविधियों का पूर्वाभास भी कर लेता है। साथ ही व्यक्ति अपने आसपास की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को भी आसानी से महसूस कर सकता है। दूसरे तरीके में आंखों के ऊपर आईब्रोज के ठीक बीच वाली जगह पर ध्यान लगाकर बैठने से भी आज्ञा चक्र एक्टिव होता है, जिससे सिक्स सेंस को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा तरीका है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया से भी सिक्स सेंस को एक्टिव किया जा सकता है, जिसमें बिना पलक झपकाए एक बिंदु, क्रिस्टल बॉल, मोमबत्ती या दीपक की ज्योति पर देखते रहें, और 30 मिनट बाद आंखों को बंद करते हुए थोड़ा रिलैक्स दें। इस क्रिया से कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है और धीरे धीरे छठी इंद्री भी जागृत होने लगती है। दोस्तों, अगर कोई अपनी छठी इंद्री को जागृत करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी क्षमताएं अनंत हो जाएंगी। उस इंसान की सोचने समझने की शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि दुनिया की कोई चीज कोई बात उससे छुपी नहीं रह सकती। दोस्तों, इसका वास्तविकता से भी पूरा संबंध है, जिसे आप सभी ने अपने जीवन में लगभग रोज अनुभव किया होगा। जैसे आपके पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हो, या दरवाजे पर किसी के आने का आभास, या जब आपका ध्यान किसी चीज में लगा हो और आप पढ़ रहे हो, उस समय अगर कोई आपको घूर रहा हो तो उस इंसान को देखे बिना ही ये पता चल जाना कि वो आपको घूर रहा है, ये सब सिक्स सेंस के जरिए ही पता चलते हैं। और भविष्य का आभास या संकेत मिलना भी इसी पर डिपेंड है। और ये छठी इंद्री जितनी ज्यादा एक्टिव और पावरफुल होगी, हमें मिलने वाले ये पूर्वाभास और एहसास भी उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होंगे, जो हमारी शक्तियों को बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपने हिप्नोटिज्म के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने कंट्रोल में लेकर उससे सच उगलवा लेता है और उससे जो चाहे वो काम भी करवा लेता है। ये भी छठी इंद्री का ही एक कमाल है। दरअसल इसमें सामने वाले व्यक्ति का ध्यान किसी एक चीज पर फोकस करवाया जाता है, और उन दोनों व्यक्तियों के माइंड की फ्रिक्वेंसी यानी विचारों के जो कंपन होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। इससे सामने वाले को कुछ करने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसे वो तुरंत मान लेता है। तो हिप्नोटिज्म में किसी भी व्यक्ति को अपने काबू में किया जा सकता है, जो भी छठी इंद्री का ही एक नमूना है। ऐसी ही बहुत सी विद्याएं हैं जो छठी इंद्री के माध्यम से की जाती है। आपका आने वाला समय कैसा होगा, किसी काम को करने का शुभ मुहूर्त कौन सा है, इन सभी सवालों के जवाबों के लिए लोग पंडित, बाबाओं और ज्योतिषों के चक्कर लगाते हैं। हालांकि आज के समय में तो बहुत कम ही ज्योतिष या पंडित ऐसे हैं जो वास्तविक विद्या जानते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ये सब आम बात हुआ करती थी।
क्योंकि गहन तप और ध्यान से साधु अपनी छठी इंद्री को जागृत करते थे और आज भी यह पॉसिबल है और कोई भी आम इंसान अपने प्रयासों से छठी इंद्री पर कंट्रोल पा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रोन रेसिक ने एक अध्ययन में पाया कि छठी इंद्री के कारण ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है और ये सिर्फ एक एहसास ही नहीं बल्कि होशो हवास में आया विचार और भावना है जिसे हम देखने के साथ ही महसूस भी कर सकते हैं। इसलिए छठी इंद्री को अनसुलझा रहस्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि वैज्ञानिकों के मत में भी छठी इंद्री का अस्तित्व मौजूद है और प्राचीन समय के लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, इसका उल्लेख भी मिलता है। साथ ही इसे जागृत करने के लिए वेद, उपनिषद, योग आदि हिंदू ग्रंथों में भी अनेक उपाय बताए गए हैं। ये इंद्री किसी के भी अतीत और भविष्य को जानने की क्षमता रखती है। ये आपके साथ घटने वाली घटनाओं के प्रति आपको सजग कर देगी जिस कारण आप उस घटना को टालने के उपाय भी खोज लेंगे। ये इंद्री आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है बशर्ते आप इसके प्रति समर्पित हों। और अगर आप उस काबिलियत को पा लेते हैं जिससे ये छठी इंद्री जागृत होती है तो बेशक आप भी इस ग्रंथि पर पूरी तरह कंट्रोल पा जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।